अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं दुआगो हूँ आप लोग खैरियत से हों, खुश हों, अल्लाह आपको अच्छी सेहत और अच्छी ज़िंदगी से नवाजे। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ मुख्तलिफ हमारी रूटीन से, यानी हमने सेवरी डिशेस तो बहुत सारी बनाई हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ मीठा। तो आप कह सकते हैं कि मीठे में क्या है, मीठे में है कुनाफा। कुनाफा एक मिडिल ईस्टर्न या मेडिटेरेनियन मीठा है जो 2017 में फ़र्स्ट टाइम मैंने तुर्की के एक शहर में खाया था और मुझे बड़ा पसंद आया था। कुनाफा ओरिजिनली उनकी एक लोकल सेवैयाँ होती हैं जिसको कदैफ कहा जाता है, उससे बनाया जाता है, और लेकिन मैं उसको बना रहा हूँ हमारी सेवैयों से जिसको अंग्रेज़ी में वर्मिसली कहते हैं और जो लोकली हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल हैं, उससे वो कुनाफा मैं बना के दिखाता हूँ आपको। वैसे कराची के अंदर आजकल काफ़ी मंदी की रेस्टोरेंट्स खुली हुई हैं जिसके अंदर ये आइटम अवेलेबल है, और आपसे अक्सर लोगों ने इसको खाई भी होगी, और जिन्होंने नहीं खाए उनके लिए भी और जिन्होंने खाई उनके लिए भी पेशे खिदमत है कुनाफा। तो चलें शुरू करते हैं कुनाफा बनाना। कुनाफा के लिए मैंने 280 ग्राम ये वर्मिसली या सेवैयाँ ले ली हैं। व्यूअर्स, कराची के अंदर आजकल थोड़ी गैस के इश्यूज़ हैं, हम इसको इनिशियली प्रिपेयर करेंगे हमारे इंडक्शन कुकर के ऊपर, और बड़ा इजी है इसको इस्तेमाल करना। बस इसके अंदर एक चीज़ है कि इसके लिए जो भी बर्तन आप इस्तेमाल करेंगे वो लोहे या स्टील का हो और उसका बॉटम जो है वो फ्लैट होना चाहिए, और इसके अंदर डिफरेंट डिग्रीज दी गई हैं जिसको हम यूज़ करते हुए इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम कुनाफा की सेवैयों को जो है स्टीम करेंगे। तो इस बर्तन के अंदर हम सबसे पहले थोड़ा पानी डालते हैं, इसको हमने पानी से भर लिया इस कंटेनर को। अब हम इसको ओवन को ऑन करते हैं, इसका सबसे पहले ये ऑन किया हमने। अब इसके अंदर ये फंक्शन है, अब ये आ गया डिग्री पे, ये 240 डिग्री अभी यहाँ पर चल रहा है, हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, तेज़ पे हमें नहीं उबालना। 160 पे इसको हम थोड़ा सा पानी को उबाल लेते हैं। जैसे ही पानी उबलेगा तो उसके ऊपर एक हम जालीदार प्लेट रख देंगे और उसके ऊपर हम सेवैयाँ रख के इनको स्टीम करेंगे। इसको हमने 200 डिग्री पर रख दिया है, देखिए पानी जैसे गर्म हो गया है और उसके अंदर से देखें धुआं निकल रहा है, तो इसके ऊपर हमने ये ट्रे रख दिए। सेवैयाँ जो है इसके ऊपर हम रख देंगे, थोड़ा सा तोड़ लेंगे इनको। इसके ऊपर सेवैयाँ डाल दी हैं और सेवैयों को अब हम कवर कर देंगे। इसको हम 4-5 मिनट के लिए इसके अंदर स्टीम करेंगे, और इसका टेम्परेचर भी हमने 140 पे कर दिया है। इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं अपने स्टीम होते हुए, हम चेक करते हैं इसको हटा के। देखें ये सेवैयाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं, थोड़ा सा इसको हम और कर लेते हैं, ज़रा सा और सॉफ्ट हो जाए। हमने ऊपर नीचे कर दिया है ताकि ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर हो जाए, और दोबारा इसको हम कवर कर देते हैं, थोड़ा सा और नरम करते हैं इनको। अब इसको 10 मिनट हो गए हैं, अब हम दोबारा चेक करते हैं इसको। अब ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है सेवैयाँ हमारी। देखें इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं वो करना है, इतना करना है कि इसके अंदर सॉफ्टनेस आ जाए और ये बिल्कुल इजीली जो है वो बैंड हो रही हो। अब हम इसको निकाल लेंगे क्योंकि हमारी सेवैयाँ अब नरम हो गई हैं। अगर आप कदैफ से बना रहे हैं तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, अब इसके बाद के स्टेप से आप कदैफ के लिए फॉलो कीजिएगा। अब ये स्टीम हुई हुई सेवैयाँ जो हैं इसको हमने इस बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसको मज़ीद हमने अपने हाथों से और क्रश कर लिए। ये हमने एल्युमिनियम के 9 इंच के 2 पैन लिए हैं जो कुनाफे के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पर 100 ग्राम बटर ले लिया है, ये हमारा होममेड बटर है जिसकी वीडियो हम पहले शेयर कर चुके हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी वीडियो डाल दूंगा अगर आप लोगों ने देखनी हो कि क्रीम से किस तरह बटर बनाया जाता है। अब ये 100 ग्राम बटर के अंदर कुछ हिस्सा जो है हम ये पैन ले लिए हमने, इसको हम बटर करेंगे, 2 पैन है दोनों को हम बटर करेंगे, और इसके बाद जो है जो बचेगा जो बटर उसको हम डालेंगे, शामिल करेंगे सेवैयों के अंदर। कुछ बटर थोड़ा सा हमने इसमें ट्रे में डाल दिया है, अब इसको हम ट्रे को अच्छी तरीके से बटर कर रहे हैं। ये दूसरी ट्रे ले ली हमने, अब इस दूसरी ट्रे को हम बटर कर रहे हैं। ट्रे को बटर करने के लिए इस्तेमाल करने के बाद जो बटर बचा है वो हमने इसको सॉस पैन के अंदर डाल दिया है, और अब इसको हम मेल्ट करेंगे। इसको हम बिल्कुल लो टेम्परेचर पे मेल्ट करेंगे, 70 डिग्री पे कर रहे हैं ताकि ये जले ना और सिर्फ मेल्ट हो। टुकड़ों में काट देते हैं ताकि ये इजीली मेल्ट हो जाए। देखिए ये बटर मेल्ट हो गया है सारा। अब जैसे ही बटर मेल्ट हुआ है इसके अंदर हम जो सेवैयाँ हमने रखी थी स्टीम करके वो उसको डालेंगे, और उसको चूल्हा जो है हम बंद कर देंगे। तमाम सेवैयों को हम अच्छी तरीके से बटर से कोट कर देंगे। ये देखें सारी जो है सेवैयाँ कोट हो गई हैं बटर से, अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे हमारी ट्रे में लेयरिंग के लिए। ये जो हमने वर्मिसली का मिक्सचर बनाया है
इसको हम दो पार्ट्स में अंदाजे से डिवाइड कर लेंगे, एक लोअर लेयर के लिए एक अपर लेयर के लिए। और ये हमारी पैन जिसको हमने बटर किया हुआ था उसके अंदर इसको हम स्प्रेड कर देंगे इवनली। प्रेस करके आपने इवन कर लेना है, जहाँ से आपको पतला लगे तो वहाँ पर थोड़ी सी सेवई आप शिफ्ट करें और उस पार्ट को भी कवर करें और इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर दें। ये हमने 150 ग्राम यहाँ पर मोज़रेला चीज़ ले लिए स्लाइस करके, ये भी इसमें इस्तेमाल होगी 150 ग्राम। अब इसके अंदर हम मोज़रेला चीज़ की लेयर लगाएंगे। ये चीज़ के ऊपर हमने लगा दी है, अब इसके ऊपर हम दूसरी लेयर लगाएंगे हमारे सेवइयों की। अब इसको भी हाथ की मदद से प्रेस करके इवनली स्प्रेड करेंगे। अब इसको हमने अच्छी तरीके से सेवइयों से कवर कर दिया है और अब इसको हम रख सकते हैं। अगर आपने किसी गेस्ट वगैरह के लिए बनाना है तो आप इसको पहले से बना के इसी तरह रख सकते हैं फ्रिज के अंदर थोड़ी देर के लिए, और जब गेस्ट आए तो उसका अगला प्रोसेस जो हम आपको बताएंगे वो आप कर लीजिएगा। अब इसके लिए हमें शुगर सिरप बनाना है, तो हम बनाते हैं अब शुगर सिरप। शुगर सिरप के लिए हमने यहाँ पर पानी लिया है 300 ml एक सॉस पैन के अंदर, और इसके अंदर हम जो है 135 ग्राम जो है हमने चीनी मिलाई है 135 ग्राम्स। अब इसको हम चीनी को इसके अंदर मेल्ट करेंगे और फिर इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम मज़ीद इसको पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा अपना गाढ़ा हो जाए। बिल्कुल हमें गाढ़ा नहीं चाहिए, हल्का सा मामूली सा जो है इसके अंदर स्टिकीनेस आएगा बिल्कुल मामूली सा, तो ये तैयार हो जाएगा। शुगर इसके अंदर सारी जो है मेल्ट हो चुकी है, अब इसको हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे, थोड़ा सा ये रिड्यूस होगा और फिर इसको हम बंद कर देंगे, हमारा सिरप जो है वो तैयार हो जाएगा। सिरप तैयार हो चुका है और मेल्ट होने के बाद हमने इसको 5 मिनट तक पकाया है और ये अब इसी तरह के से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी होती है इसकी। जैसे मैंने आपको बताया था कराची में थोड़ा गैस का इशू है, तो ये हमने मेक शिफ्ट सिलेंडर का गैस इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसको, ताकि ये हमारा काम ना रुके और हमारा काम चलता रहे। ये सिलेंडर के चूल्हे हैं, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है, चाहे आप इस पर पकाएँ या नॉर्मल चूल्हों पे पकाएं, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाना है आपने। और ये आपने इसके ऊपर रख देना है और इसको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसके ऊपर ये पकेगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता से पका जाएगा, जैसे ही तो इसके साइड से आपको बबलिंग भी नज़र आएगी और आपके इसके अंदर से धुआं भी उठेगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पक गया है। देखिए, अब इसको 4-5 मिनट हुए हैं तो इसके अंदर से धुआं भी निकलना शुरू हो गया है और आवाज़ भी आ रही है सिजलिंग की साइडों में से। जैसे ही थोड़ा सा और पकेगा और साइडें इसका रंग जो है वो चेंज होने लगेगा तो हम इसको पलटेंगे। देखिए, जैसे ही अब ये थोड़ा सा ज़्यादा सिजल होने लगा है और धुआं भी ज़्यादा निकल रहा है, तो हमने इसको थोड़ा साइड कर लिया और अब साइडों से इसको थोड़ा घुमाया था कि बीच से तो काफ़ी पक गया होगा, थोड़ा सा साइडों से इसको हम पका लें। इसके अंदर अच्छी हमें स्मेल आ रही है, तो अब इसको हमें लग रहा है कि नीचे से पक गया, अब इसको हम पलटते हैं। इसके लिए जो दूसरी ट्रे हमने रखी थी तैयार करके, वो इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम पलटेंगे अपसाइड डाउन। देखिए, हमने पलट लिया है, अब इसको हम वापस से दूसरी साइड इसकी हम पकाते हैं। देखिए, अच्छा टैन हो गया इसका कलर एक तरफ से, और अब इसको हमने दूसरी तरफ थोड़ा सा पकाना है। दूसरी तरफ हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना, तकरीबन 4-5 मिनट पकाना है, और जैसे ही ये तैयार हो जाएगा तो इसके ऊपर हम फिर शुगर सिरप डालेंगे। दूसरी साइड से भी हो गया है, क्योंकि इसके अंदर देखें सिजलिंग हो रही है साइडों में। अब इसको हम रिमूव कर लेंगे इसे फ्लेम से। हमारा जो शुगर सिरप हमने बनाया था ये ठंडा हो गया है, अब इसको ठंडा करके के बाद ही हम इसके ऊपर डालेंगे, रूम टेम्परेचर पे ये इसको उसके ऊपर हम डालेंगे ये हॉट कुनाफा के ऊपर। ये 4 हमने जो स्पून जो हैं इसके अंदर हमने डालने हैं,
ये एक जो है तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर है। देखें सारा सिरप जो है इसने सोख कर लिया है। अब इसके अंदर पर हम पिस्ताचियो जो है उसे डेकोरेट करेंगे। अब इसको हम पिस्ताचियो से डेकोरेट कर रहे हैं। मीठा अपने हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा सिरप डाल सकते हैं इसके अंदर। उसका स्लाइस निकालते हैं हम। देखें चीज की लेयर इसके अंदर कैसी लग रही है। इसको टेस्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाह। टू गुड। बहुत मज़ा आता है मुझे कुनाफा खा के। बड़ी ज़बरदस्त डिश है। चीज़ की कॉम्बिनेशन के साथ इसका जायका दुबाला हो जाता है। आप भी इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और मीठा तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन मेरे लिए परफेक्ट मीठा है। मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।